ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है 27 राज्यों में। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापे मारे हैं। आपको बता दें 27 राज्यों में यानी कि देश भर में 125 केस दर्ज किए गए हैं और अभी तक इस मामले में 175 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इंटरपोल के इनपुट पर सीबीआई ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 175 लोगों को अरेस्ट किया है। एक बड़ा कनेक्शन ड्रग्स को लेकर जो सामने आ रहा था, अब उस पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन, सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई। इंटरनेशनल इनके तार कनेक्टेड हैं, एक एक चीज को लगातार काफी लंबे समय से टीम मॉनिटर कर रही थी कई जगहों पर। इससे पहले जब ड्रग्स बरामदगी की गई तो उसके बाद में ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। कई बड़े नाम इस कार्रवाई में शामिल हैं, जो अब इसमें शामिल होते हुए अब उजागर हुए हैं। 175 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। तो देश भर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 125 मामले दर्ज किए, 175 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, कई और लोगों की गिरफ्तारी होनी है। लेकिन देश भर में हुई ये कार्रवाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं मेरे साथ ही। अनुज, किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है, पूरे देश भर में कई लोगों पर दर्ज किए गए केस? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ड्रग्स सिंडिकेट की बात करें तो भारत में ड्रग्स सिंडिकेट का लगातार देखा जा रहा था कि किस तरीके से खासतौर पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते भारी मात्रा में ड्रग्स जो है वो भारत में लाए जा रहे थे। इसको लेकर सीबीआई ने बाकायदा इंटरपोल की मदद ली और इंटरपोल की मदद के तहत ऑपरेशन गरुण चलाया, जिसके तहत करीब 127 केस दर्ज किए गए और 175 आरोपियों को इस बाबत जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में बाकायदा स्टेट पुलिस और जो एनसीबी है उनकी भी मदद जो है वो ली गई। बाकायदा 8 राज्यों में एक तरीके से कहा जा सकता है कि शिकंजा कसा गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, मणिपुर, ये ऐसे राज्य थे जहां पर बाकायदा ये ऑपरेशन चलाए गए। ठीक है, बहुत बड़ी कार्रवाई है अनुज, ये जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अनुज मिश्रा।